Stop it! Stop it! आज का सोमवार जर्नलिज्म और हमारे जैसे देश के कई संवाददाताओं के लिए शर्मनाक सोमवार है। इस मॉनसून मंडे देश का बड़ा न्यूज चैनल तेज खबर की मशहूर संपादक शिखा सिंह पर अपने ही प्रतिनिधि संपादक CMNC चैनल की रत्ना सिंह का बेरुखी से मर्डर करने का आरोप है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अब देखते हैं कि देश के आदरकारी वकील में से KD पाठक क्या उन्हें रिहा करवा पाते हैं। देश की जनता सुबह से ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने का इंतजार कर रही है। कॉम्पिटिशन का जमाना है लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी को मार डालना इतना भी नहीं सोचा कि किसी का खून करके बच पाना इतना आसान नहीं है। अरे इतना सोच पाती तो रत्ना राय को चलती ट्रेन के आगे यूं ना धकेलती। पागल खाने भेजना चाहिए उसे तो। मुझे तो लगता है कि पाठक की मति मारी गई जो ऐसे हथियारों का केस ले लिया। मिस्टर पाठक, हाय, आई एम रुखसार रहमान। जानता हूँ आपको, ये भी जानता हूँ कि मेरे गुरु की आप भी शिष्य हैं। वेरी नाइस। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि दिस इज नॉट इवन एन ओपन एंड शट केस, इट्स साइन एंड सील्ड। आई डोंट नो व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम। जस्टिस तागी पधार रहे हैं। स्टेट वर्सेस शिखा सिंह, बेल पिटिशन, प्रोसिक्यूशन। आपको कोई ऑब्जेक्शन? गुड मॉर्निंग योर ऑनर। गुड मॉर्निंग मिस रहमान। KD पाठक इस केस में बेल क्यों लेना चाहते हैं? I don't understand. Your Honor, 24th May 2014 को CSP की International Press Meet चल रही थी। वहाँ पूरी इंडिया का मीडिया मौजूद था। Of course, it was a huge event. सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था लेकिन एन मौके पे सारा मामला बिगड़ गया। Thank you very much, Chairman साहब। जैसा कि CSP इंटरनेशनल के चेयरमैन ने देश को वादा किया है, उम्मीद है कि वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। CMNC न्यूज के लिए कैमरामैन रमेश पॉल के साथ मैं रत्ना राय। सब लोग तुम्हारी तरह फेक नहीं होते, कुछ लोग ईमानदारी से जीना भी जानते। क्या बोली थी एक बार फिर से बोल। मैंने कहा तू फेक है, तेरी जैसी लड़कियों की वजह से जर्नलिज्म बासी हो गई। माँ बाप अपने बच्चों को जर्नलिस्ट बनाने से डरने लग गए। अच्छे खासे प्रोफेशन को रशिया का बाजार बना दिया है तुमने। पिछले 3 साल से लगातार बेस्ट न्यूज एंकर का अवार्ड जीत रही हूँ। लोग पागल नहीं है जो मुझे ये अवार्ड दे रहे हैं। तुझे सफलता कैसे मिली है? पूरी फ्रेटर्निटी जानती है किस किस पॉलिटिशियन के साथ क्या क्या किया है तूने। उसका हिसाब किताब अब खुद तुझको भी नहीं होगा। एथिक्स अब बहुत दूर की बात है, में तो अब इंसानियत भी नहीं बची। ओ मेरी जान, लाइफ में कितना सक्सेस मिला है वो जरूरी है, कैसे मिला है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और अगर सारे मर्द तुझसे दूर भागते हैं तो मैं क्या करूं? रत्ना प्लीज की पारो से। और अंदर की बात तो ये है कि तेरा पति भी किसी से मेरा नंबर मांग रहा था, तू बोले तो के साथ भी एक खेल खेल। Enough! बहुत खेल खेल लिया तूने, अब तेरे ही खेल में तुझे हराऊंगी। ना रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी।
क्यों शिखा, ऐसा ही हुआ था ना? उनके पास कुछ नहीं है तुमसे कहने के लिए। ऐसा ही हुआ था योर ऑनर। सबके सामने रत्ना को धमकी देने के बाद उस धमकी को अंजाम देने के लिए शिखा ने रत्ना का पीछा किया। मैं वेन्यू के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा सकती हूँ। Only if you permit. Permission granted. Your Honor, मिस्टर पाठक की फेवरेट लाइन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? तो बताइए, आपने क्या देखा? जो मैंने देखा, वो आप सबने यहाँ टीवी पे देखा। रत्ना मैडम जैसे ही अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकली, पता नहीं कहाँ से रूम करके शिखा मैडम वहाँ पे आई और उनके पीछे पीछे निकल गई। रत्ना बहुत गुस्से में थी, ऐसा क्या हुआ था? हाँ, कुछ तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था मैडम। मैडम आपने बहुत ज्यादा पी ली, आपको जाना होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? रत्ना राय। मैडम आप कोई भी हो, लेकिन फिलहाल आपको जाना होगा। प्लीज लीव मी, आई कैन हैंडल माय सेल्फ। चलिए प्लीज। जिस वक्त सिक्योरिटी रत्ना मैडम को लेकर जा रही थी, उस वक्त शिखा मैडम भी वहीं पे थी। योर ऑनर, अब ये तो कंफर्म हो गया कि शिखा सिंह रत्ना राय के पीछे पीछे गई थी। कहाँ गई थी, क्यों गई थी और उन्होंने क्या किया, ये हमें बताएंगे अरेस्टिंग ऑफिसर राजीव सक्सेना। इंस्पेक्टर सक्सेना, आप क्राइम सीन पर किस वक्त पहुंचे? रात के 12:40 को लोअर परे रेलवे पुलिस ने 12:25 पे मुझे वायरलेस मैसेज किया कि लोअर परेल और एल्फिंस्टन रोड स्टेशन के बीच में जो ओवरब्रिज है, वहाँ एक महिला ट्रेन से मर गई है। मैं वहाँ 2 कांस्टेबल लेके पहुँच गया। आगे क्या हुआ बताइए। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद मैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। चूंकि लाश ब्रिज के नीचे पड़ी थी, इसलिए मैंने ब्रिज की भी चेकिंग ली। ब्रिज की सीढ़ियों की रेलिंग में दुपट्टे का टुकड़ा मिला। दुपट्टे का टुकड़ा? योर ऑनर, शिखा के दुपट्टे का टुकड़ा। और ये है वो टुकड़ा। उसके बाद मैंने उस रेलिंग से फिंगरप्रिंट्स उठाए। ब्रिज के थोड़ी दूर पे मुझे टायर के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से गाड़ी भगाई हो, और उतना ही नहीं, 2 टायरों के निशान के बीच ऑयल गिरा हुआ था। जब उस ऑयल का लैब टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो डिफरेंशियल ऑयल है, जो कि शिखा सिंह की गाड़ी के डिफरेंशियल ऑयल से मैच करता था। एंड वन मोर थिंग, स्टेयरकेस पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी शिखा सिंह की उंगलियों से मैच करते हैं। इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ कि क्राइम सीन पर शिखा सिंह ही थी और मर्डर भी इन्होंने ही किया। योर ऑनर, मैंने गवाह, सबूत और मकसद पेश कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि शिखा सिंह को बेल मिलनी चाहिए। केरी, क्या तुम अपनी ओर से कोई दलील पेश करना चाहते हो? बट माइंड यू, प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही वाटर टाइट है। अगर तुम्हारे पास उससे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो ही आर्ग्यूमेंट करना, अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। मिस्टर पाठक, बेस्ट ऑफ लक। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूशन की बात से सहमत हूँ, उनकी हर दलील से सहमत हूँ। मैं मानता हूं कि मेरी मुवक्किल शिखा सिंह उस दिन उस ओवरब्रिज पर थी। उंगलियों के निशान भी नहीं निकले। दुपट्टे का टुकड़ा ही नहीं खाया। ये वहां थी, लेकिन ये हथियारे नहीं है, ये प्रत्यक्ष साक्षी है। आई विल
मारो इनमें को। ये क्या कह रहे हो केनी? अदालत के इतिहास में शायद आज पहली बार ये हो रहा है कि अपराधी खुद चश्मदीद गवाह होने का दावा कर रहा है। खैर, तो शिखा सिंह के मुताबिक कौन है असली खून? योर ऑनर, जो मेरी वार्तालाप हुई है शिखा सिंह जी के साथ और जो कथन इन्होंने दर्ज किया है, उसके अनुसार संभावना है कि बैजू बारिया जी, जो प्रेस रिलेशंस ऑफिसर हैं, यार, जो इस इवेंट में उपस्थित थे, प्रेस का कार्य संचालन कर रहे थे, उनके हत्यारे होने की संभावना है। कहानी कुछ ऐसी है यार, रत्ना राय जी के पीछे शिखा सिंह जी नहीं, जब ये अपने वाहन में थी, इन्होंने अपने वाहन से ओवरब्रिज पर या सेतु पर बैजू जी और रत्ना राय जी के बीच वाद विवाद होते हुए देखा। दोनों के बीच वाद विवाद होता देख कर उन्होंने इनकी कुतूहलता जागी। इन्होंने रत्ना राय जी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी रोकी, जिस कारण से इनकी गाड़ी का डिफरेंशियल ऑयल वहां पाया गया। सीढ़ियां चढ़कर सेतु पर जा ही रही थी, जब इन्होंने रत्ना राय जी के शरीर को सेतु से नीचे पटरियों पर गिरते हुए देखा। जहां पर ये खड़ी थी वहां से इन्होंने देखा नहीं कि बैजू ने उन्हें धक्का मारा या नहीं, किंतु योर ऑनर, इसकी संभावना है कि बैजू ने रत्ना राय को धक्का मारा हो। योर ऑनर, शिखा सिंह जी का कथन सुनने के बाद हमने अदालत से बैजू बारिया जी को समन्स भेजा था, किंतु वो अदालत में अनुपस्थित हैं योर ऑनर, और लापता भी। इससे दृढ़ शंका पैदा होती है योर ऑनर कि हत्या में कहीं ना कहीं बैजू जी का हाथ है। योर ऑनर, मैं अदालत से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक बैजू जी का पता नहीं चल जाता, उन्हें अदालत में लाया नहीं जाता, तब तक मेरे मुवक्किल को बेल पर रिहा किया जाए। यह अदालत प्रोसिक्यूशन के दलील से सहमत, केडी तुम्हारे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। बैजू बारिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है और साथ ही में मिसेस शिखा सिंह को 1 जून तक रिमांड पर रखने का ऑर्डर इशू किया जाता है। द केस इज अडजर्न। ले चलो, चल जल्दी, चलो चलो जल्दी, आना चलो, बॉस अपुन को ना एकदम अंदर से फीलिंग आ रही है ये मर्डर बैजू ने किया रहेगा, इसलिए तो भग गया बॉस। देख श्रवण, जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी स्थिति पर निर्णय लेना ये उचित नहीं है। जी सर, फुटेज प्ले करो। चलो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएसपी इंटरनेशनल केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपना धाक जमा रहा है, भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। इस साल 3 और देशों के साथ हमने व्यापार करना शुरू किया है, 10,000 से अधिक कर्मचारी। Come on, I don't have time. Oh, hi, Suman. Excuse me. Can you move this? Excuse me? Yeah, please. Excuse me. Ratna, sweetie, मैंने तुमसे कहा था ना टाइम पर आ जाना, तुम लेट क्यों आई? तुम हमेशा लेट हो जाती हो।
कितनी बार कहा है तुमसे टाइम पर आया करो, टाइम पर आया करो, टाइम पर आया करो, बट यू नेवर लिसन। नेक्स्ट टाइम से फॉलो माय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ओके? पहले अपनी स्टैंडिंग तो ठीक कर। रत्ना, रत्ना राय, और आगे से मुझे राय देना बंद करो। सही, रत्ना राय तो बहुत ही रूड औरत थी। अरे माँ कीजिए वरुण भाई, अगर अपुन के साथ ऐसा किया रहता ना, दो चमार धर के देता वहीं के वहीं। रत्ना राय जैसी औरत को दुश्मनों की कोई कमी नहीं रही होगी। आगे चला। क्या बोली तू? एक बार फिर से बोल। सर दुश्मन नंबर दो, शिखा जी। ना रहेगा बास और ना बचेगी बांसुरी। क्या करो तुम लोग पब्लिक के बीच में? ये पकड़। सुशिका, इधर ठीक हो गया? I'll be fine, sir. बहुत ज्यादा बढ़ गई है रत्ना जी, इज आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ करना पड़ेगा। आई एम श्योर शराब पीने के बाद रत्ना जी ने एक आध और दुश्मन तो बनाए ही होंगे। रत्ना राय को सिक्योरिटी ने बाहर किया था, क्या कारण था इसके पीछे? इस अगली फुटेज से सब साफ हो जाता है। You must be joking. ये जो तुम टीवी पर कीचड़ उछालती हो ना, हम इसके बदले में कुछ तो मिलेगा। मैं दूंगी तुम्हें बदनामी। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, और चौधरी साहब को बता दिया ना तो तुम इलेक्शन में क्या कहीं भी खड़े नहीं रह पाओगे। पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर करोगी तो कच्चा और जिंदा निकल ली जाओ। मैडम आपने बहुत ज्यादा पी ली, आपको जाना होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? रत्ना राय, the one and only। मैडम आप कोई भी हो, लेकिन फिलहाल आपको जाना होगा। You must please leave me. I can handle myself. चलिए please। वरुण एक काम कर, फुटेज में जितने भी लोग हैं सब शक के घेरे में, सबको समझ भेज दे, अदालत में देखते हैं। स्टेट वर्सेस शिखा सिंह, केस नंबर 531C ऑफ 2014 में पिछली तारीख को अदालत ने पुलिस को बैजू बारिया को गिरफ्तार करने की हिदायत दी थी। What is the progress on that? Your Honor, बैजू बारिया फरार है, लेकिन लोअर परेल एलिफेस्टन ओवर ब्रिज की रेलिंग से हमें एक और फिंगरप्रिंट्स मिले, वो बैजू बारिया से मैच होते हैं। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। Ms. Rehman, you may proceed. Your Honor, प्रोसिक्यूशन इस केस के सारे फैक्ट्स अदालत के सामने पेश कर चुका है। प्रोसिक्यूशन अब डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स को क्रॉस एग्जामिन करेगा। योर ऑनर, डिफेंस श्री सुमंत शिंदे को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता है। मिस्टर पाठक, अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। केडी, आई होप तुम्हें पता है कि मिस्टर संतोष शिंदे कौन है। हमारे एरिया के बहुत ही आदरणीय और माननीय एमएलए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करोगे जिससे उनका अपमान हो। जी नहीं योर ऑनर, मैं तो एक रंग का अपमान करने में भी विश्वास नहीं रखता। फिर शिंदे साहब तो अपने क्षेत्र के राजा हैं, किंतु योर ऑनर हमारी न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है, और मैं अदालत में ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं कि शिंदे साहब के पास भी हत्या करने का उद्देश्य था, हेतु था। आपकी अनुमति हो तो। बट प्रोसीड विद कॉशन। धन्यवाद शिंदे साहब, कैसा है?
जय महाराष्ट्र केडी सर, मैंने आपकी बात का 5 पैसा भी बुरा नहीं माना। शेर का स्वभाव होता है मासूम जानवर का शिकार करना, वैसे ही आप जैसे वकील का स्वभाव होता है हम जैसे मासूम लोगों पर शक का वार करना। केडी सर जी, एक बात पूछूं? हाँ बोला बोला। आपने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, उतामझाम के सामने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला तो उछाला, लेकिन रत्नाताई को मारने का मेरे पास कारण है, ये बोलने के पीछे आपके पास भी कोई कारण तो होगा? अवश्य है शिंदा साहब, आपके इस कोतुहल का निवारण बहुत शीघ्र कर दूंगा। कैसी जानकारी प्राप्त हुई है कि घटना स्थल पर वो जो डांस फ्लोर पर जो कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पार्टी से निकलने से पहले आपके और रत्ना जी के बीच में कुछ वाद विवाद, तर्क वितर्क हुआ, जिसके चलते कुछ कटु शब्द भी कहे आपसे रत्ना ने, बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अपना सैंडल। अब इतने वरिष्ठ नेता है, अदालत में बात उठाऊंगा तो शोभा नहीं देगा। वैसे एक फुटेज भी है उस रात की जो मैं चला सकता हूँ अदालत में, किंतु शिंदे साहब फिर वही आपकी बातें आ जाएंगी, मीडिया प्रेस इत्यादि इत्यादि। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है, शेर भी शिकार करने से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेता है। मैं तो आपके सामने अधराजा वकील हूँ। मैं काय बोलूं त्यागी साहब। केडी जी, अरुण तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये इशारा करना चाहते हो कि रत्ना की हत्या मिस्टर शिंदे ने की है? योर ऑनर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि संभावना है। तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? जी नहीं योर ऑनर, इस समय तो मेरे पास न साक्ष्य है न साक्षी अपनी बात प्रमाणित करने के लिए, किंतु बहुत शीघ्र मैं अदालत में ये बातें प्रस्तुत कर सकता हूँ। तब तक मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि शिंदे साहब का पासपोर्ट जब्त किया जाए। बड़ा सर का बोलता है अच्छा, ये इंसल्ट है मेरा। इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो 24 तारीख को 12 बजे के बाद वो रत्ना ताई का डेथ हुआ था ना? जी। तब मैं अपने घर पर था, अपनी बच्ची का बर्थडे केक कटिंग कर रहा था। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? एक प्रमाण नहीं, बहुत प्रमाण है मेरे पास। इतना सारा लोग था पार्टी, मजी भाई को, सास ससुर, मर बच्ची, और तो और पार्टी का वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मेरे फोन में, डेट और टाइम के साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोच। शिंदे साहब, ये तो आम जानकारी है, ये नेता करता नहीं है, करवाता है। केडी, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। अब बात को ज्यादा मत खींचो। सुमन जी, आप प्लीज जाकर बैठिए। जय महाराष्ट्र। केडी जी, योर ऑनर, अभी तुम और किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहते हो या फिर मैं अपना फैसला सुनाऊं? योर ऑनर, मैं तेज न्यूज चैनल के कर्ता धरता श्री मयंक मारवा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मयंक जी, क्या यह सत्य है कि शिखा जी की कार्य कुशलता से आप अति प्रभावित थे, अति प्रसन्न थे, और आपके जितने कर्मचारी थे उनमें से सबसे प्रिय, अति प्रिय आपको शिखा जी ही लगती थी? हाँ, ये सच है, क्योंकि जब से शिखा जी हमारे यहाँ आई हैं तब से हमारे न्यूज चैनल का काफी फायदा हुआ है। जी जी, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा स्टाफ शिखा जी की रिस्पेक्ट करता और प्यार भी। तो ये जो कुछ वर्षों से मयंक जी स्वर्गीय रत्ना राय जी के कारण
शिखा जी हर पुरस्कार से वंचित हो रही थी, इस बात का दुख तो हुआ होगा आपको। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अवार्ड न सिर्फ शिखा जी का था बल्कि हमारे न्यूज चैनल का था। आपके कहने का तात्पर्य है कि रत्ना राय जी के कारण न केवल शिखा जी को आपके चैनल को भी भारी धक्का पड़ा था, सत्य कह रहा हूँ? हाँ, थोड़ा टीआरपी नीचे गिरी थी। टीआरपी गिर गई थी, इसका ये अर्थ होता है कि आपकी आमदनी भी कम हो गई होगी। इसी कारणवश आपने रत्ना राय जी को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था उनके सामने, किंतु न केवल उन्होंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बड़ा बुरा भी कहा था आपसे। ये कैसे आपने हजम कर लिया? देखिए, ये मेरा बिजनेस है, इसलिए मुझे ऐसे दाव पेच तो खेलने ही पड़ते हैं। हत्या भी करनी पड़ती है। व्हाट? हत्या? हत्या? आप जानते थे कि रत्ना राय नशे में धुत है, और आप जब अपने वाहन में निकले, आपने ऊपर सेतु पर रत्ना राय को बैजू बारिया के साथ वाद विवाद करते हुए देखा, तर्क वितर्क करते हुए देखा। आपने इस अवसर का लाभ उठाया, जब आपने सामने से चर्चगेट लोकल आती हुई देखी, आपने जाकर रत्ना राय को नीचे ढकेला। चुप रहना वरना दूसरी ट्रेन आ रही है। तूने कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं बोलेगा। कल मेरे ऑफिस में आके जितना पैसा चाहिए ले जाना। हिंदुस्तान को छोड़ के किसी और देश में बस जाना, पर यहाँ शक्ल मत दिखाना, समझे? चल। This is just disgusting, unbelievable. सुना था तुम्हारे बारे में केडी, लेकिन आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। तुम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं केडी कि तुम अपने जोश में अपना होश खो चुके हो। मुझको झूठा इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार ये भी पता नहीं किया कि मैं कहां पर था। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं उसको 12:30 बजे 7 रास्ता क्रॉसिंग पर ड्रिंक एंड ड्राइव केस से पकड़ा गया था, और आरटीओ से मैंने माफी मांगकर 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरा था, जिसकी रिसिप्ट है मेरी गाड़ी में और सेकंड मिस्टर केडी पाठक। मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझ जैसे न्यूज चैनल हेड होस्ट पर जो तुमने मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया ना, उसके लिए ना सिर्फ मैं तुम पर डिफेमेशन केस करूंगा, बल्कि तुम्हें अपने न्यूज चैनल में बदनाम भी कर दूंगा। मिस्टर केडी पाटिल, यू आर फिनिश्ड। मार्क माय वर्ड्स, यू आर फिनिश्ड। ऑर्डर इन द कोर्ट। मिस्टर मैंग, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। अपने गुस्से पर काबू रखिए और जाकर बैठ जाइए। केडी, मैंने तुम्हारे जैसा जिद्दी लॉयर पहले नहीं देखा। मेरे बार बार वार्न करने के बाद भी बिना किसी सबूत या गवाह के तुम लोगों पर खून का इल्जाम लगा रहे हो। दिस लव, मैं अभी इस केस को रद्द कर सकता हूँ और तुम्हारी मुवक्किल को तुम्हारी गलती की वजह से भुगतना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एग्री विद यू योर ऑनर। मिस्टर पाठक, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कम से कम उसकी बैकग्राउंड तो चेक कर लेनी चाहिए। मिस्टर मयंक को देखकर आपको लगता है कि वो किसी का खून कर सकते हैं? योर ऑनर, क्या शिखा जी को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी की हत्या कर सकती है? इनका स्वभाव कितना अहिंसक है, कितना विनम्र है, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं इनके पतिदेव पुनीत सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। जी, ये बताइए, आपके और शिखा जी के विवाह के कितने वर्ष संपन्न हो चुके हैं? तकरीबन 9 साल। 9 वर्षों में कभी शिखा जी को उग्र होते हुए देखा आपने, संतुलन खोते हुए देखा? कोई भी घटना आपको स्मरण हो? जी नहीं। तत्साब, मेरी पत्नी बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की है, वो तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। हाँ, झगड़ा मैं जरूर करता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहती थी। I object, Your Honor. ऐसा हो ही नहीं सकता। I am a woman myself. मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी औरत 9 साल के इतने बड़े अरसे के दौरान कभी झगड़ा नहीं करे, कभी गुस्सा नहीं करे। It is impossible. साफ पता चलता है कि यहाँ एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। And now, Mr. KD Pathak, may I?
इफ यू डोंट माइंड। तो आपके कहने का मतलब है कि इन 9 सालों में आपकी वाइफ जो कि एक प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं? अब बताइए, जल्दी बताइए ना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने हमें बताया कि एक बार जब वो आपके घर गया, उसने घंटी बजाई तो आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला और आपकी वाइफ के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिसपे खून लगा हुआ था। तो हमें बताइए कि वो चाकू कहाँ से आया और इतना सारा खून उस पर कैसे लगा हुआ था, बोलिए बताइए ना प्लीज। मैं बताती हूँ, मैं किचन में मटन साफ कर रही थी और वो चूहा अचानक से मेरे पैर पर से निकला। मैंने डर के मारे चाकू हाथ से फेंक दिया और वो चाकू चूहे पे जा लगा और उसकी गर्दन कट गई। क्या निशाना है आपका, आपको तो मैं दाद देती हूँ। योर ऑनर, जो औरत गुस्से में आके एक छोटे से चूहे को मार सकती है, तो क्या वो रत्ना जैसी राइवल का खून नहीं कर सकती? केडी, आई थिंक तुम्हें काफी मौके दिए गए और तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाए। मिस्टर पाठक, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम उधर करके बैठे हो। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी मेरे ध्यान में एक ऐसी बात आई है जिस पर हम में से किसी ने दुर्भाग्यवश ध्यान नहीं दिया। इस केस में एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, चर्च गेट लोकल, जिसके नीचे रत्ना जी कुचली गई, का मोटर मैन योर ऑनर, उसका ड्राइवर। सुबह से पहली बार तुमने कोई सेंसिबल अपील की। मनोज जी, कृपया बताइए उस घटना के बारे में, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपको स्मरण है बताइए। सर, रूल के हिसाब से रात के समय हमें ट्रेन 80 या 90 किलोमीटर की स्पीड से चलानी पड़ती है। ट्रेन जब ओवरब्रिज की ओर मुड़ी तो मुझे ऐसा लगा एक इंसान पटरी पर गिरा हुआ है। मनोज जी, गाड़ी आपकी मुड़ी, आपने पटरी पर किसी को देखा जी, और फिर आपने ब्रेक दबाए, तो जब आप देख रहे थे कुछ ऐसी विशेष बात आपने देखी, याद करके बताइए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी भी बात हो तो। ठीक से नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को हिलते हुए शायद देखा था, या कोई और व्यक्ति था, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ हलचल जरूर हुई थी। मनोहर जी, आप अब ये कह रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के वहां होने की संभावना है शायद। थैंक यू मनोहर जी, बहुत बहुत आभार मानता हूं आपका। योर ऑनर, इस केस का इकलौता प्रत्यक्ष गवाह ये कह रहा है कि उसने पटरी पर संभवतः किसी और व्यक्ति को अंत के क्षणों में वहां से हिलते हुए देखा। इसका तात्पर्य ये होता है योर ऑनर कि संभवतः वहां कोई और व्यक्ति था जिसने रत्ना जी की हत्या की। योर ऑनर, श्री सुमंत शिंदे और मिस्टर मयंक मारवा वहां निजी रूप से उपस्थित तो नहीं थे योर ऑनर, किंतु मैं हत्या का उद्देश्य स्थापित कर चुका हूं। संभव है कि किसी व्यक्ति द्वारा उन्होंने ये हत्या करवाई हो। एक और बात, बैजू बारिया जी, जिनकी उंगलियों के निशान घटनास्थल से प्राप्त हुए, उनका कथन अब भी अदालत में दर्ज नहीं हुआ है। इस नई रोशनी के अंतर्गत मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि रत्ना जी की देह का उन्हें पोस्टमार्टम करवाया जाए और इस केस की अगली तारीख दी जाए। माइंड यू कैरी, तुम फिर से शुरू हो। जब तक तुम्हें सबूत नहीं मिल जाता, तुम किसी पर उंगली नहीं उठाओगे। एंड यस, तुम्हारे रिवाइज पोस्टमार्टम की अपील को एक्सेप्ट किया जाता है और अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि एक बार और क्राइम सीन पर जाकर ठीक से छानबीन करें।
एडी सर। बोल वरुण। वेल डन। चलो साइड पे चलते हैं, मैं ऑफिस में हूँ, पिकअप कर ले मुझे। मेरे अनुसार हुआ ये था कि बैजू रत्ना से नाराज था, दोनों में झगड़ा हुआ, रत्ना ने उसे मनाने की कोशिश की, बैजू नहीं माना, बैजू आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, रत्ना उसे बचाने का प्रयास कर रहा, गलती से वो नीचे गिरी, ट्रेन उस वजह से निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है समय। जैकेट छोड़ के गया उनके बाद। तो पकड़ा क्यों नहीं? उन्हें ट्राई किया बहुत। बैजू वाले को अदालत में हाजिर किया जाए। सर, आई एम सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मैंने रत्ना को धक्का नहीं दिया था सर, वो तो एक्सीडेंटली वो अपने आप गिर गई थी सर। यू नो उस रात ओए चमक चलो, क्या लावार इस कुत्ते की तरह तू भटक रहा है आधी रात को, चल गाड़ी में बैठ। शराब हो गया, 3 साल मैंने तुझे बच्ची की तरह रखा, तेरा कितना ख्याल रखता मैंने, और तूने तूने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया। छोड़ ना यार, रात गई बात गई, ओके अब तू चुपचाप गाड़ी में बैठ प्लीज। तब तो तू मुझसे माफी नहीं मांगती ना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल ना बाबा, सॉरी। ऐसे नहीं, तूने इंसल्ट सबके सामने की, गाली सबके सामने दी, तो सॉरी भी तू सबके सामने बोले। देख बहुत नाटक हो गया तेरा, तू चुपचाप गाड़ी में बैठ साली ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन? तू देख मैं अभी ब्रिज से चलती ट्रेन के सामने तू कभी जान दे दूंगा, ओके? वो खड़ा क्यों है? जा। बैजू स्टॉप इट, तू पागल हो गए हो क्या? बैजू रुक, बोल रही हूँ ना। Trust me, sir. मैंने उसको धक्का नहीं दिया, इट वाजंट माय फॉल्ट, आई एम इनोसेंट सर, आई प्रॉमिस आई एम इनोसेंट। मैं जानता हूँ ये हत्या आपने नहीं की, लेकिन आपको इस वारदात की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, इस तरह से भागना नहीं चाहिए था। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बैजू बारिया जी हत्यारे नहीं है, क्योंकि कल रात जब छानबीन कर हम घटनास्थल पर गए, मेरे विश्वास अनुसार असल हत्या वहां साक्ष्य मिटाने आया था यार, हमने उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश कार्य में निष्फल रहे, किंतु उसका ये काला टोपी वाला जैकेट मेरे हाथ में आ गया,
और इसका नाप योर ऑनर बैजू के नाप से बिल्कुल विपरीत। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने बेल की हियरिंग में जो होटल के बाहर की फुटेज आपको दिखाई थी वो फुटेज अधूरी थी, उसके आगे भी ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ मैं आगे कुछ कहूँ उससे पहले एक बार फिर वो फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रत्ना जी के पीछे पीछे शिखा जी की गाड़ी निकली और अब ये मोटरसाइकिल वाला है। हूबहू वही काला टोपी वाला जैकेट है जो इस कोट में अभी अभी मैंने प्रस्तुत किया। योर ऑनर, जूम करके इस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी दिखाना चाहूंगा। ये मोटरसाइकिल किसका है? आरटीओ की इंफॉर्मेशन आपकी मेज पर रखी हुई है। अब मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हत्यारा स्वयं कटघरे में आकर हमें इस बारे में बताए। क्यों रमेश जी, बताएंगे या नहीं? मैं हाँ, मैं उसका पीछा करते करते रेलवे ट्रैक तक गया जरूर था, लेकिन लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है सर। देखिए यार रमेश जी, जब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया रत्ना जी का तो ये पता चला कि उनके सर पर किसी विशेष वस्तु से घाव दिया गया है, जबकि वो तो सेतु से गिरी थी अपने पीठ के बल, तो इस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी। माथे पर घाव कैसे आया इस बारे में कुछ बता सकते हैं? आप कहने के चाहते सर कि जब रत्ना नीचे गिरी तो वो जिंदा था, लेकिन मैंने उसके सर पे वार करके पहले उसे बेहोश किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया रेलवे ट्रैक पर। एग्जैक्ट। क्या सबूत है आपके पास? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। योर ऑनर, लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से इस केस की छानबीन कर रहा था। जिस जगह रत्ना राय की मौत हुई उससे 25 फुट की दूरी पे ये पत्थर मिला। इस पत्थर पे खून के अंश पाए गए जो कि रत्ना के खून से मैच होते हैं। केडी, पुलिस देर से आने के लिए जरूर बदनाम है, लेकिन जब भी आती है दुरुस्त आती है। क्या पूछ रहे थे आप? ये मेरे पास सबूत क्या है? ये भारी भरकम पत्थर जिस पर रत्ना जी का लहू पाया गया। अब आप चाहे तो आज इकबाले जुर्म कर सकते हैं, आप ना चाहें तो कल इकबाले जुर्म कर सकते हैं, जब इस पत्थर के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएगा इस पर आप ही के उंगलियों का निशान है। तो बताइए रमेश जी, क्या करना चाहेंगे? उसे मारने का इरादा नहीं था मेरा, बल्कि मुझे तो शक था उस पर कि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, बस इसलिए पीछा कर रहा था उसका। लेकिन जब वहाँ ओवरब्रिज पहुँचा तब देखा कि रत्ना और बैजू आपस में लड़ रहे थे, तो बस उनकी सारी बातें सुनने के लिए मैं बस वहीं ब्रिज के नीचे जाके खड़ा हो गया, और कुछ ही देर बाद मेरे सामने रत्ना नीचे पटरी पे आ गिरी। मैं बहुत डर गया था, ऊपर देखा तो एक ओर से बैजू भाग रहा था तो सीढ़ियों से शिखा। रत्ना तब जिंदा थी सर, मैंने बहुत सोचा कि जाके उसकी मदद करूं, लेकिन उसी वक्त की पुरानी बातें मुझे याद आने लगी। देवी मैं रत्ना, प्लीज अब मेरी बात सुन लो। देखो रत्ना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, सिमरन और मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तो बस मेरी बचपन की दोस्त है, पहली बार यहाँ आई थी, मैंने सोचा से लंच करा दूं, मैं तुम्हें बताने ही वाला था यार। रत्ना प्लीज ऐसे मत बोलो। I love you and I need you. You love me and you need me. सिर्फ अपना करियर बढ़ाने के लिए,
पर बिस्तर गरम करने के लिए यू नीड सिमरन राइट? हूँ रत्ना। सक्सेस पाने के लिए मेरी पीठ पीछे उसने न जाने क्या क्या किया। मैं अपने होश को बैठा और जोश में आके एक पत्थर से दे मारा। वो बेहोश हो गई और सामने से आती हुई ट्रेन के नीचे आ गई। मैंने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने कुचलते हुए देखा। यह अदालत श्रीमती शिखा सिंह को बाइज्जत बरी करती है। रमेश पॉल को हिरासत में लेने का हुक्म सुना था। द केस इज क्लोज्ड। क्या लगता है तुम्हें रुखसार, आज गुरुजी खुश होंगे या दुखी? गुड जॉब, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच केरी सर। थैंक यू केरी, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। Very beautiful couple, है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.